स्वागत है आप सबका एनसीईआरटी कैंप में। मैं अमित, आज देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारा पार्ट टू होने वाला है। इससे पहले पार्ट वन रिकॉर्ड करा था, उसमें हमने ओइस्टर एक्सपेरिमेंट कवर करा था, क्या होती है, थंब रूल की हेल्प से किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकालनी होती है वो देखा था, सोलेनोइड क्या होती है वो देखा था, उसकी कंस्ट्रक्शन देखी थी, एंड जब एक लूप में से करंट फ्लो कर रही होती है उसकी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या आती है वो कवर करा था। अगर नहीं देखा जाकर देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उसको देखने के बाद ही यहाँ पर आना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, देखेंगे यहाँ से टॉपिक क्या क्या होने वाला है। चलो साथ साथ बता दूं आपको, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम के लिंक भी दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। अगर कोई डाउट आए आपको फटाफट से आना हमारे पास पूछना, सारे डाउट क्लियर कर देंगे आपके वहां पर। टॉपिक की बात करें, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। जब आपकी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखी हो तो उसमें कहां पे फोर्स लग रही है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है वो निकालना सीखेंगे विद हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फिर देखेंगे मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन, मेडिकल साइंस में, मेडिसिन में आपके मैग्नेटिज्म का क्या रोल है वो देखेंगे। फिर कवर करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और उसकी वर्किंग क्या है वो देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, फिर बिना टाइम वेस्ट किए। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखो यहाँ पर एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। हमको पहले ही पता ही, हमने पहले भी देख चुका है कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट जारी होती है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी वो ऑब्वियसली, और द फील्ड सो प्रोड्यूस्ड एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑन अ मैग्नेट। अब क्या है, मैग्नेट ने करंट कैरिंग कंडक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, उस मैग्नेटिक फील्ड ने एक फोर्स लगाया किस पे, मैग्नेट पे। अगर उसके पास एक मैग्नेट रखी हुई है तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड ने उस पे फोर्स लगाया, और जितना फोर्स उसने मैग्नेट पे लगाया उतने मैग्नीट्यूड का ऑपोजिट फोर्स मैग्नेट लगाएगा किस पे, करंट कैरिंग कंडक्टर पे। देखो आगे यहां पर, द मैग्नेट मस्ट ऑल्सो एग्जर्ट एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, जो मैंने बताया आपको द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब ये जो फोर्स लग रही है ना, इसके डायरेक्शन आप रिवर्स भी कर सकते हो। कैसे, अगर आपने करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, इनिशियल आपने करंट ऊपर फ्लो कर रही थी, अगर करंट नीचे फ्लो करेगी तो ऑब्वियसली डायरेक्शन लग रही थी फोर्स की, वो आप रिवर्स कर सकते हो। ठीक है ना, आप देखोगे आगे इसके बाद क्या करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, उसके हेल्प से बताएंगे कैसे जो डायरेक्शन फोर्स की वो निकाली जाती है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से बताएंगे आपको। और देखो यहाँ पर, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल, ये जो फोर्स की डायरेक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, ऑब्वियसली डायरेक्शन ऑफ करंट पे, करंट की डायरेक्शन कैसी है, एंड ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी कैसे निकालनी होती है डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, आपको सिखाएंगे लेफ्ट हैंड थंब रूल। चलो आगे देखते फटाफट से कवर करते हैं। अभी लेफ्ट हैंड थंब रूल क्या है, लेफ्ट हैंड थंब रूल बोल रहा है क्या है, अपने लेफ्ट हैंड क्या करो, आप तीन फिंगर्स को निकालो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तीन फिंगर्स निकालो, एक थंब, एक इंडेक्स फिंगर और एक आपका मिडिल फिंगर। योर थंब विल पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, योर इंडेक्स फिंगर विल पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड योर मिडिल फिंगर विल पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड थ्री ऑफ द फिंगर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और देखो यहाँ पर, तो आप देखोगे बेसिकली कैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड के रूल से आप देखोगे हम फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे। अभी रहने दो, इसके बाद इसका अगला टॉपिक वही आने वाला है हमारे पास, मोटर्स। देखोगे मोटर्स में किस तरीके से आर्मेचर पे जो फोर्स आ रही होती है उसकी डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालना सीखेंगे। ठीक है ना, पहले इसे कवर करते फटाफट से। व्हेन वी टच समथिंग, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन। आप देखो मेडिसिन में, मेडिकल साइंस में किस तरीके से आपका मैग्नेटिज्म का रोल है। When we touch something, our nerves carry an electric impulse to the muscles we need to use. तो आपने क्या करा? आपने जब भी किसी stimulus पर touch करा, तो आपने क्या देखा? आपके nerves के through electrical impulse जारी होती है, ठीक है ना? Carry an electrical impulse to the muscle. अब देखो, this impulse produces a temporary magnetic field. अब electrical impulse क्या कर रही है? एक temporary magnetic field बना रही है, not permanent, but the temporary magnetic field. अब देखो क्या है? आपके body के अंदर दो ऐसे specific organs हैं, जिसका बहुत अहम रोल है मैग्नेटिक फील्ड बनाने में। एक है हमारी ब्रेन और दूसरी क्या है, हार्ट। ये दोनों क्या बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आवर बॉडी। और देखो यहाँ पर, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बॉडी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग द इमेजेस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की इमेजेस को ऑब्टेन करने में, ठीक है ना? और इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं मेडिकल साइंस में, जिसको हम बोलते हैं MRI, ठीक है ना? MRI में इसी का रोल है, जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसके हेल्प से हम क्या करते हैं, बॉडी पार्ट्स की इमेजेस को ऑब्टेन करते हैं, और ये बहुत ही यूजफुल होता है, ठीक है ना? चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर क्या है। बेसिकली ये एक रोटेटिंग डिवाइस है। अब देखो इसमें जो आर्मेचर होती है, आपने आगे देखो क्या, बेसिकली इसके बाद ये दो आपके होते हैं परमानेंट मैग्नेट, उसके बीच में होता है आर्मेचर, आर्मेचर घूमते रहता है कंटिन्यूअसली, ठीक है? तो बेसिकली क्या है, ये रोटेटिंग डिवाइस है दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना? आपने बिजली पास करा, करंट पास करने से क्या हुआ, आपकी आर्मेचर घूमने लगी, दैट मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी। इसका यूजेस तो हर जगह है। देखो, द इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज्ड एज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक फैंस, रेफ्रिजरेटर्स, मिक्सर्स, वॉशिंग मशीन, हर जगह।
ये यूज किया जाता है एज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इन वेरियस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाइक फैंस, रेफ्रिजरेटर्स, मिक्सर्स, तो हर जगह यूज होता है, ठीक है ना, हर जगह यूज होता है। और देखो यहाँ पर, तो ये हमारा बेसिकली इलेक्ट्रिक मोटर कैसा दिख रहा है, चलो मैं थोड़ा इसका तो डायग्राम बेसिकली इसमें मार्किंग कर दूं किस पार्ट का क्या नाम है। देखो यहाँ पर ये बोलो जो दिख रहे हो, ये क्या है हमारी, ये परमानेंट मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल और ये हमारी साउथ पोल, ठीक है ना, ये दोनों कैसे लगे हुए, ये हमारे परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। और देखो यहाँ पर ये क्या है, ये जो देख रहे हो ये, इसको मार्किंग कर दो, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये क्या है बेसिकली कॉइल है, ये कॉइल मोस्टली बना होता है कॉपर का, कॉपर चिप होता है ना, कॉपर का बना होता है बेसिकली, ठीक है। ए बी सी डी हमारे कॉइल है एंड दिस कॉइल इज कनेक्टेड टू, ये देखो यहाँ पर क्या रेड कलर का ये दिख रहा है, ये हमारे स्प्लिट रिंग्स, इसको हम लोग कम्यूटेटर भी बोलते हैं, इधर इट इज नोन एज स्प्लिट रिंग्स और यू कैन से इट एज कम्यूटेटर, और इसके साइड में यहाँ पर इसमें मार्किंग कर दो, चलो ये क्या है हमारी स्प्लिट रिंग्स, स्प्लिट रिंग्स, ठीक है ना, और यू कैन से इट कम्यूटेटर, कम्यूटेटर। अब देखो यहाँ पर इसके साइड में यहाँ पे दो लगे होते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर लगा होता है कार्बन ब्रशेस, है ना, हेयर इज कनेक्टेड टू कार्बन ब्रशेस ऑन बोथ द साइड्स एंड इसके साथ क्या है, ये हमारी वायर है ना, यहाँ पे कंडक्टिंग वायर लगी हुई है यहाँ पे, यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ की बैटरी है, दिस इज योर बैटरी, है ना, यहाँ पर आपकी बैटरी लगी हुई है, बिल्कुल। बैटरी क्यों लगी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको मिलेगा जो सोर्स वो तो यही से है ना, पावर तो आपको यही से मिलेगी बैटरी से, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है, देखो यहाँ से बेसिकली करंट फ्लो करती है आपकी, ये पॉजिटिव टर्मिनल है आपकी, यहाँ से करंट फ्लो करेगी आई करंट, ऐसे आई करंट फ्लो करेगी, ऐसे गई गई गई, यहाँ पहुंची यहाँ पहुंची यहाँ पहुंची, ऐसे गई ए बी में पहुंची। अब देखो क्या है, मैंने आपको बताया था ना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स, हम निकालते हैं फोर्स की डायरेक्शन की, फोर्स कहाँ लग रही है, चलो यहाँ पर निकाल के दिखा फोर्स कैसे लगी, चलो देखते हैं। देखो करंट कैसी है आर्मेचर में, ए बी में ऐसे ना, चलो पहले तीनों फिंगर्स को निकालो, ये हमारे मिडिल फिंगर क्या पॉइंट करती है करंट को, ना देखो करंट ऐसी है, करंट ऐसी, और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, देखो यहाँ पर देखो, यू मस्ट बी नोइंग मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां तक होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, है ना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, चलो हम बनाते हैं डायरेक्शन, ये देखो ऐसी, ये रही, ये देखो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, मजा आ रहा है ना। ये देखो अब निकालते हैं फोर्स की डायरेक्शन, जो हमारी ए बी है, जो आर्म ए बी है उस पर कैसी फोर्स लग रही है वो निकालते हैं, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ये लो करंट, और ये क्या मिडिल फिंगर, ये हमारे इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर शोज आर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इधर है ना ये करंट, करंट यहाँ, ये लो, अब सही है ना, ये करंट, ये आपकी करंट है, ये आपकी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, और ये देखो ये कहां जा रहा है, देखो ये थंब विल शो द, ये शो द फोर्स, तो देख रहे हो जो आपकी आर्म ए बी है उस पर नीचे लग रही है फोर्स, समझ में आ रहा है, इस पर जो फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, यहां देखो ये देखो यहाँ पे इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रही है आपकी, ठीक है ना, ए बी में। और आप देखो यहाँ पर जब जब सी डी में आपका पहुंचा करंट, जब आपकी ये आई करंट सी डी में पहुंची, डायरेक्शन कहाँ है नीचे ना, देखो आपकी सी डी में करंट की डायरेक्शन नीचे है, चलो यहाँ पर निकालते हैं फोर्स कैसे लगी, देखो करंट की डायरेक्शन नीचे इस तरफ है ना, ऐसी ऐसी, चलो ये आपकी करंट है, इसकी डायरेक्शन ऐसी, ये लो आई होप आपको दिख रहा होगा, आई होप ये करंट है ये वाली, ये इस तरफ मेरी तरफ, देखो मेरी तरफ बना दिया, ये जो है आपकी दिस इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये देखो थंब इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो आप देख रहे हो जो आपकी आर्म ए बी है उस पर फोर्स लग रही है ऊपर, फोर्स लग रही है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे और करंट मेरे तरफ ऐसा, ये जो आप देख रहे हो मिडिल फिंगर मेरे तरफ पॉइंट किया हुआ है, ठीक है ना, इसका मतलब ये जो फोर्स लग रही है यहाँ पे सीडी में वो लग रही है ऊपर की तरफ ऐसा, इसको मैं नाम दे रहा हूँ एफ टू, और जो फोर्स लग रही है ए बी पे वो कैसे नीचे की तरफ, इसको नाम दे रहा हूँ एफ वन, तो आप देख रहे हो। अब क्या देखो आप समझ लो, एक तरफ फोर्स लग रही है नीचे और सीडी पे लग रही है फोर्स ऊपर, तो ऑब्वियसली बात है इसमें लगेगा परपेंडिकुलर टॉर्क, और ये क्या घूमने लगेगी ना, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग, बिल्कुल, तो ए बी पे क्या है फोर्स लगने से इट विल स्टार्ट रोटेटिंग, आपने देखा ना किस तरीके से करंट की फ्लो करने से आर्मेचर पे टॉर्क लग रहा है दोनों साइड पे एंड इट स्टार्ट्स रोटेटिंग एंड दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं फर्दर, यहाँ बात करते हैं कंपोनेंट्स की, कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल एबीसीडी ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, हमने बताया आपको यहाँ पे क्या है, देखो जो आपने जो बताया आपको कॉइल एबीसीडी इसकी बनी है कॉपर की और इंसुलेटेड भी है, इसको हमने खुला नहीं छोड़ा है, ठीक है ना, इसको हमने इंसुलेट भी कर दिया फर्दर, इसके ऊपर से हमने प्लास्टिक की कवरिंग लगा दी, ठीक है ना। और देखो The coil is placed between the two pairs of a magnetic field. तो क्या मैंने बताया आपके दो बड़े बड़े मैग्नेट्स लगे हैं और उसके बीच में कॉइल रखा गया है, such that the arm AB and CD are perpendicular to the direction of magnetic field. बिल्कुल देखो यहाँ पर देखो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है आपके आपके नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और आप देखो यहाँ पर जो आपकी एबीसीडी कॉइल है, एबीसीडी कॉइल की जो आपकी एरिया वेक्टर आएगी, देखो एरिया वेक्टर उसकी डायरेक्शन कैसी है ऊपर ना, एरिया वेक्टर की बात करें
एरिया वेक्टर फॉर एबीसीडी कॉइल वो ऊपर है। तो देखो आप एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल जो यहां बताया जा रहा है, इट इज परपेंडिकुलर है ना, ए बी और सी डी जो आर्म है उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, बिल्कुल लग रही है। और देखो यहां पर क्या है, The ends of the coil are connected to the two halves P and Q split rings। यहाँ जो मैंने आपको बताया था ये two halves देख रहे हैं यहाँ पे, ना नेमिंग कर दे इसका P और Q, तो ये दोनों half कैसे आपके split rings है, दोनों कैसे आपके split rings लगे हुए हैं। और देखो यहाँ पर The inner side of these halves are insulated and attached to the axle। तो आपने आपको पता होगा जो आपके ये दोनों स्प्लिट रिंग्स है वो भी इंसुलेटेड है, एज लाइक आपकी आपकी कॉइल जो इंसुलेटेड थी, सेम आपकी स्प्लिट रिंग्स भी क्या है, इंसुलेटेड है, ठीक है ना। और यहां पर आप देख पाओगे यहां पर बेसिकली क्या है, अगर यहां बना दो अच्छे से, इधर आपका एक्सल लगा होता है यहां पर ऐसे करके, यहां बनाया नहीं गया, यहां पर ऐसे ऐसे एक्सल लगे होते हैं ऐसा, दिस इज योर, दिस इज कॉल्ड एक्सल, दिस इज कॉल्ड एक्सल, ठीक है। तो एक्सल बेसिकली क्या है ना, जब आपका ये कॉइल घूम रहा होता है साथ साथ आपकी क्या एक्सल भी ऐसे ऐसे एक्सल घूम रही होती है, ठीक है ना, यही है बस बेसिकली। और देखो क्या है, द एक्सटर्नल कंडक्टिंग एजेस ऑफ पी एंड क्यू टचेस टू कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रशेस एक्स एंड वाई। तो यहां पर देखो क्या है, जब मैंने बताया था कार्बन ब्रशेस लगे हुए साइड साइड में, इसको भी मैं मार्किंग कर दूं। हाँ, यहां पर देखो ये जो दो ब्रशेस दिख रहे हैं आपको यहां पर, इधर देखो ये वाली और यहां पर ये वाली, तो दिस टू आर ब्रशेस, इसकी नेमिंग कर दो एक्स और इसकी बता दो वाई। तो दिस टू आर कार्बन ब्रशेस कनेक्टेड टू स्प्लिट रिंग्स, ठीक है ना, बिल्कुल। बेसिकली क्या है ना, आप ये देख रहे हो स्प्लिट रिंग्स, जब ये घूमेगी ना, बेसिकली घूमने तो पता है क्या होगा, जब ये घूमेगी तो आपका जो ये कार्बन ब्रश है वो फिक्स रहेगा, कार्बन ब्रश कहीं नहीं जाएगी, वही की वही रहेगी। आपकी स्प्लिट रिंग्स भी क्या है, फिक्स है, आपकी स्प्लिट रिंग्स भी फिक्स है, बस घूमेगी क्या, तो आपकी कॉइल, बस कॉइल जो है स्प्लिट रिंग ऐसे है ना, ये आपकी स्प्लिट रिंग, तो उसके अंदर में ऐसे ऐसे कॉइल घूमेगी, ऐसे ऐसे स्प्लिट रिंग्स भी ऐसे ही है, कार्बन ब्रश भी ऐसे ही है, बस क्या है आपकी कॉइल ऐसे ऐसे अंदर में घूम रही है। तो बस क्या है, कॉइल हल्का 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 क्या है, कार्बन ब्रश को और स्प्लिट रिंग को टच कर रही है अंदर की तरफ, बस टच करके जा रही है। तो आपके स्प्लिट रिंग्स और कार्बन ब्रश दोनों फिक्स है, ठीक है ना, बस क्या घूम रही होती है, कॉइल घूमती है, याद रखना इसको। और देखो आगे में, हाँ, करंट इन द कॉइल एबीसीडी एंटर्स फ्रॉम द सोर्स बैटरी थ्रू कंडक्टिंग ब्रश एक्स एंड फ्लोज बैक टू द बैटरी थ्रू कंडक्टिंग ब्रश वाई। देखो यहाँ पर सिंपल बात है, देखो आप ही क्या है, जो आपकी एबीसीडी आर्मेचर है उसपे कहां से करंट आ रहा है, एक्स के थ्रू ना, देखो यहां से करंट निकलेगी आपकी बैटरी से, एक्स से होते हुए एबी में जाएगी, और एबी से होते हुए सीडी में आएगी, और सीडी से होते हुए आपके वाई में जाएगी, और वाई वाले से होते हुए आपके वापस बैटरी में चली जाएगी करंट, वही बताया गया सिंपल से, ठीक है ना। आगे देखते हैं, चलो जब पहले मैं बताया था, ऑन अप्लाइंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मैंने आपको पहले बता दिया, यहां भी देख लो फटाफट से, वैसे पहले बता चुका हूं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालनी थी, बता के दिखा दिया, करंट यहां पे ऐसे फ्लो कर रही है, ये आई करंट यहां ऐसे जाएगी, बिल्कुल इसमें कैसे लग रही थी फोर्स, नीचे की तरफ है ना, अब इसकी मार्किंग कर दो ए बी सी डी, ए बी सी डी, करंट कैसी है यहां, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है यहां, दिस इज योर करंट, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स कहां है नीचे, देखो फोर्स कहां है नीचे, तो ए बी में फोर्स आपकी है नीचे की तरफ यहाँ, दिस इज योर फोर्स एफ वन। और बात करें सी डी में, ये देखो सी डी में, तो यहाँ पे करंट कैसे है नीचे की तरफ, करंट ऐसी है मेरे तरफ, ये देखो करंट मेरे तरफ हो गई, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो है मेरे तरफ करंट है, और फोर्स कहां है ऊपर है ना, फोर्स इज ऊपर, तो देखो फोर्स लग रही है ऊपर, पहले ही बताया मैंने, दिस इज योर फोर्स एफ टू है ना, एक पे फोर्स लग रही है नीचे, दूसरे पे फोर्स लग रही है ऊपर, इसके कारण लगेगा टॉर्क एंड इट विल स्टार्ट रोटेटिंग, और कंटिन्यूअसली आर्मेचर आपका ऐसे 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 घूमना शुरू कर देगी, ठीक है ना, बिल्कुल। वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर बता दिया, फिर से देख लो, वी फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म ए बी पुशेस इट डाउनवर्ड, आपने क्या देखा, जो आपकी आर्म ए बी है उस पर जो फोर्स लग रही है, इट इज ट्राइंग टू पुश इट डाउनवर्ड है ना, एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म सी डी, और जो सी डी पे फोर्स लग रही है, इट इज एक्टिंग अपवर्ड, एक पे लग रही है डाउनवर्ड, दूसरे पे लग रही है अपवर्ड, दस द कॉइल एंड द एक्सल ओ माउंटेड फ्री टू टर्न अबाउट एन एक्सिस रोटेट एंटी क्लॉक वाइज। आपने क्या देखा यहाँ पर, मैंने आपको बताया था आपके स्प्लिट रिंग से लगी हुई एक्सल, तो क्या है, जैसे फोर्स लगती है दोनों आर्म्स पे, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे ऐसे है ना, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, तो योर एक्सल एंड योर कॉइल बोथ विल स्टार्ट रोटेटिंग। और आप याद रखो, बस आपकी एक्सल और कॉइल घूम रही है, साथ साथ कुछ नहीं घूम रहा होता है, आपका स्प्लिट रिंग्स और कार्बन ब्रशेस दोनों फिक्स है, बस क्या है आपके कॉइल जो घूम रही है कंटिन्यूअसली टच होकर ऐसे ऐसे करके साइड से टच होकर निकल रही है, बस कुछ वहां पर स्प्लिट रिंग और कार्बन ब्रशेस बिल्कुल भी फिक्स्ड है, इसको आप ध्यान में रखो, ठीक है ना। चलो और देखो आगे देखते हैं, एट हाफ रोटेशन क्यू मेक्स कॉन्टेक्ट विद ब्रश एक्स एंड पी विद ब्रश वाई, ठीक है। अब देखो यहां पर
अब देखो ठीक है। हाँ देखो, यहां पर लेट से हाफ रोटेशन हो जाए, लेट से हाफ रोटेशन होने के बाद जब जो ये आर्म एबीसीडी है, हाफ रोटेशन हुआ तो आपकी देखो आप ए बी यहां पर आ गई ना, आपकी आर्म ए बी, अब ए बी यहां पर आ गई है, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी और दिस इज योर सी एंड दिस इज योर डी, है ना। आफ्टर हाफ रोटेशन ऐसा, ऐसी थी ऐसी, तो ए बी यहां आ गई और सी डी यहां, तो देख रहे हो हाफ रोटेशन होने के बाद क्या हुआ। देखो लेट से आपकी ये यहां पर ब्रश कौन सी थी, एक्स, यहां पर आपकी एक्स वाली ब्रश थी कार्बन ब्रश, और यहां पे आपकी वाई कार्बन ब्रश थी, है ना। तो जैसे ही हाफ रोटेशन हुआ तो क्या हुआ, आप देख रहे हो जो आपकी आर्म थी उसकी पोजीशनिंग चेंज हो गई, और नाउ सीडी, नाउ द आर्म सीडी इज इन कॉन्टेक्ट विद ब्रश एक्स। इनिशियली आर्म सीडी वॉज इन कॉन्टेक्ट विद ब्रश वाई, बट नाउ आर्म सीडी इज इन कॉन्टेक्ट विद ब्रश एक्स एंड द आर्म ए बी इज इन कॉन्टेक्ट विद ब्रश वाई, बिल्कुल देख रहे हो ना। तो आपकी देख रहे हो हाफ रोटेशन के बाद सब कुछ चेंज हो गया, एंड ऑल्सो द डिरेक्शन ऑफ करेंट ऑल्सो चेंज, बिल्कुल। आप क्या देख रहे थे, जो जो आपकी मोटर स्टार्ट होने वाली थी उस समय क्या थी, आपके ए बी वाले आर्म में फोर्स कहां लग रहा था, नीचे की तरफ, बट नाउ एज बिकॉज जैसे हाफ रोटेशन हुआ तो आप क्या देख रहे हो अब सी डी यहां पर आ गए। तो देखो अब सी डी वाले में करंट ऐसे फ्लो करेगी ऐसा, नाउ अब जो आपकी सी डी आर्म है उस पर फोर्स लग रही है नीचे और ए बी पे फोर्स लग रही है ऊपर, तो देख रहे हो सब कुछ चेंज हो गया, या डिरेक्शन ऑफ करंट भी चेंज हो गया, मैग्नेटिक डायरेक्शन सेम है क्योंकि आपके मैग्नेट तो परमानेंट है, तो आपकी मैग्नेटिक डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन जो आप करंट फ्लो हो रही थी ए बी और सी डी में सब कुछ चेंज हो चुका है। तो एज बिकॉज आपकी करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई है दोनों आर्म्स में, तो फोर्स भी चेंज हो गया, पहले सी डी में फोर्स लग रहा था ऊपर, अब सी डी में फोर्स लग रही है नीचे, पहले ए बी में फोर्स लग रही थी नीचे और अब ए बी में फोर्स लग रही है ऊपर, है ना। तो आप देख लो हाफ रोटेशन होने पर सब कुछ चेंज हो जा रहा है, ठीक है ना। और देखो यहां पर क्या हुआ लिखा हुआ है, देयरफोर द करंट इन द कॉइल गेट्स रिवर्स्ड एंड फ्लोज बैक द पाथ डीसी भी है। तो आप देख रहे हो पहले आप करंट कहां फ्लो कर रही थी एबीसीडी में, अब बिकॉज हाफ रोटेशन हो गया कहां फ्लो कर रही है करंट डीसीबीए में, ठीक है ना, इट इज ऑल्सो गॉट रिवर्स्ड। यहां पर क्या लिखा हुआ है, अ डिवाइस दैट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ सर्किट इज कॉल्ड कम्यूटेटर। तो आप क्या देख रहे हो, आपने ये तो देखा कि अभी करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, अब ये रिवर्स कराने में एक डिवाइस का बहुत अहम रोल है, उस डिवाइस को बोलते हैं कम्यूटेटर, है ना। ये क्या कर रही है आपकी करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दे रही है। तो देखो यहाँ पर अब आप बोलोगे अभी तक तो स्प्लिट रिंग्स पढ़ते आ रहे हैं, कार्बन ब्रश पढ़ते आ रहे हैं, कॉइल देख रहे हैं, परमानेंट मैग्नेट देखते आ रहे हैं, है ना। अभी कम्यूटेटर कहां से आई है, देखो यहाँ पर इन इलेक्ट्रिक मोटर द स्प्लिट रिंग्स एक्ट एज अ कम्यूटेटर। तो जो स्प्लिट रिंग्स लगी हुई है दो साइड में लगे थे ऐसे करके आपके हाफ सर्कुलर जो आपके दो रिंग्स लगे हैं उसी को बोलते कम्यूटेटर, है ना। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, स्प्लिट रिंग्स एंड कम्यूटेटर बोथ आर सेम, विच इज एक्टिंग which is functioning to reverse the direction of current, है ना? The reverser of current also reverses the direction of force acting on the two arms. तो ये बिल्कुल ये तो स्वाभाविक है। जब आपका direction of current reverse हो गया, तो आपकी force की direction reverse हो गई, है ना? आपको मैंने पहले बताया जो आपकी AB arm थी, उस पे force लग रही थी initially कहाँ नीचे की तरफ, लेकिन as because half rotation होने के बाद आपकी arm AB इस तरफ आ गई और arm CD इस तरफ आ गई, तो जो CD पे इनिशियली लग रहा था फोर्स ऊपर की तरफ अब रिवर्स हो गया, क्या हो गया, CD पे लग रही है नीचे की तरफ और AB पे लग रही थी ऊपर की तरफ, ठीक है ना। देखो लिखा है यहाँ पे, thus the arm AB of the coil that was earlier pushed down is now pushed up and the CD which was earlier pushed up is now pushed down। तो सब कुछ रिवर्स हो गया ना, बिल्कुल हाफ रोटेशन हुआ, आपकी करंट के डायरेक्शन में रिवर्स हो गए, एंड ऑल्सो द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन बोथ द आर्म्स इट्स डायरेक्शन ऑल्सो गॉट रिवर्स्ड। सिंपल था ना, बिल्कुल। Therefore, the coil and the axle rotate half a turn more in the same direction. आप देख रहे हो, जैसे जैसे हाफ टर्न हो रहा है, हाफ टर्न, फिर एक और हाफ टर्न ऐसा, फिर एक और हाफ टर्न, जैसे जैसे आप देख रहे हो हाफ टर्न होते जा रही है, तो क्या है आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कंटिन्यूअसली गेटिंग रिवर्स्ड। द रिवर्सिंग ऑफ करंट इज रिपीटेड एट ईच हाफ रोटेशन। बिल्कुल हर एक हाफ रोटेशन में आपकी करंट करंट आपकी जो रिवर्सिंग हो रही है करंट की, इट इज गेटिंग रिपीटेड गिविंग राइज टू अ कंटिन्यूअस रोटेशन ऑफ कॉइल and to the axle. So because of this continuous reversing of current and continuous reversing of the direction of forces, it is giving rise to the rotation of coil. और coil क्या continuously घूमना शुरू कर देगी, ऐसा 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 आप घूमना शुरू कर देगी, एंड इसे क्या आपका मोटर वर्किंग करना शुरू कर देगा। बिल्कुल देखो यहां पर क्या है, यहां पर देखो द कमर्शियल मोटर यूज, तो आप देखो कमर्शियल पर्पस पे जब बड़े बड़े फैक्ट्रीज वगैरह में यूज करते हैं मोटर्स कमर्शियल लेवल पे, तो वहां पर हम क्या करते हैं ना, बेसिकली एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज प्लेस्ड इन द प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। बेसिकली क्या है ना,
जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, मतलब ऐसी मैग्नेट जो तब बनती है जब इलेक्ट्रिसिटी पास करा जाए। जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करना बंद कर दिया, वो मैग्नेट की फंक्शनिंग खत्म हो गई, तो उसकी मैग्नेटिक कैरेक्टर तब तक जब तक करंट पास कर रहा है, ठीक है ना। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है ना, बेसिकली ज्यादा पावरफुल एज कम्पेयर टू परमानेंट मैग्नेट, इसलिए हम लोग कमर्शियल लेवल पे यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट इन द प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। आपको पता होगा जैसे जैसे आप टर्न्स बढ़ा दोगे, द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स बढ़ाओगे, तो आप क्या होगी, पहले ही मैंने बताया है फर्स्ट पार्ट में बताया था, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज इंक्रीज्ड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट आल्सो इंक्रीज्ड। तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी एन टाइम्स बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इसलिए हमें क्या करते हैं कमर्शियल लेवल पे बहुत ज्यादा टर्न्स करते हैं, लेकिन जो आपकी कॉइल है, जो आपकी आर्मेचर है बेसिकली, उसमें बहुत ज्यादा हम कॉइल लगा देते, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हैं। और देखो और हम क्या करते हैं ना, अ सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल इज वुंड इज आल्सो प्लेस्ड इनसाइड इट, एंड द सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल इज वुंड अलोंग विद द कॉइल इज कॉल्ड आर्मेचर। देखो यहां पर क्या बेसिकली क्या बताना चाह रहा है, देख लो क्या बोलना चाह रहा है, समझ जाओ। यहां पे यहां बता दे, ये देखो जस्ट अ मिनट, हां ये देखो, ये आपकी कॉइल है, ये ए बी सी डी, ये वाली ए बी सी डी कॉइल है। हम क्या करते हैं, इस कॉइल के अंदर हम क्या डालते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर। यहां पे अंदर में हमने अंदर में एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दिया, क्यों? देखो क्या है ना, बेसिकली सॉफ्ट आयरन कोर की एक प्रॉपर्टी है कि इट अट्रैक्ट्स ऑल द मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देख रहे हो इनिशियली क्या हो रहा था, देखो अगर नेट से आपके पास सॉफ्ट आयरन कोर नहीं था तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रही थी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रही थी, ऐसा ऐसा ऐसा। लेकिन जैसे ही आपने क्या करा, सॉफ्ट आयरन कोर लाकर रख दिया, यहां बता दे, यहां पर देख लो, ये आपकी कॉइल ए बी सी डी, ए बी सी डी, यहां पर आपके पास सॉफ्ट आयरन कोर, यहां पर मैग्नेट है ना, ये आपके मैग्नेट है दो बड़े बड़े, आपके इनिशियली आपके मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे जा रहे थे पैरेलली। अब क्या होगी, ऐसे ऐसे ना जाकर अब वो क्या करेगा, सॉफ्ट आयरन कोर की प्रॉपर्टी है कि सारे मैग्नेटिक फील्ड को खींच लेगा अपने तरफ, ऐसे देखो खींच लिया, ये देखो ऐसा ऐसा ऐसा, यहां से भी ऐसी ऐसी ऐसी, देख रहे हो इसने क्या करा, सारे मैग्नेटिक फील्ड को खींच लिया अपने तरफ। दिस इज व्हाट द प्रॉपर्टी ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर। तो आप देख रहे हो ना, तो आप देख रहे हो यहां पे क्या है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई ना, इसे क्या है आपकी मैग्नेट, आपकी जो मोटर है उसकी पावर भी बढ़ गई है ना, आपकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई, एक ही जगह आकर आ गई, तो मतलब कि आपकी पावर भी बढ़ गई बिल्कुल। तो इसलिए हम यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर का, ठीक है ना। देखो यहां पर कहां पर थे हम, यहां पर हाँ, और ये सॉफ्ट आयरन कोर अलोंग विद द कॉइल, इसी को बोलते हैं आर्मेचर। अगर सॉफ्ट आयरन कोर हो और साथ में बहुत सारे आपके एन नंबर ऑफ टर्न्स वाले कॉइल हो, दोनों को साथ में बोलते हैं आर्मेचर, एंड दिस एनहेंसेस द पावर ऑफ मोटर। बिल्कुल मोटर की पावर को बढ़ा दिया, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सब एक एकजुट हो गए, एक जगह इकट्ठा हो गए, तो आपकी पावर बढ़ गई ऑब्वियसली, ठीक है ना। खत्म, इतना ही करते हैं आज। तो हमारा पार्ट टू और पार्ट वन दोनों खत्म। पार्ट वन में हमने ओइस्टर एक्सपेरिमेंट कवर करा, सोलेनोइड क्या होता है वो देखा, थंब रूल क्या होता है वो देखा। इस पार्ट में क्या देखा हमने, मोटर क्या होती है, मोटर की वर्किंग क्या होती है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, तो सब कुछ कवर करा। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होती है वो देखा। इसके बाद पार्ट थ्री करेंगे, पार्ट थ्री में देखेंगे कि मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है, अलोंग विद कवर करेंगे हमारे मैग्नेटिक इंडक्शन के साथ। आप देखोगे डोमेस्टिक सर्किट, डोमेस्टिक सर्किट में आप देखोगे लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, तो इस तरीके से किस तरीके से सारे वायर्स आपकी आपके बेसिकली वर्क कर रहे होते हैं आपके या आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंस में, उसको देखेंगे। अभी इतना रखते हैं देन, तो ठीक है इतना ही रखते हैं। तो आप लोग इस तरह हमें प्यार देते रहिए, वीडियो देखते रहिए, एंड अगले पार्ट में आते हैं पार्ट थ्री लेकर। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया।